नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे राजशिला यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने पाषाण काल को पढ़ा था, तो इससे आगे अपन चलते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख शैलाश्रय तथा शैलचित्र। यानी मध्य प्रदेश में जो शैलाश्रय थे उन पे शैलचित्र भी बने पाए गए, तो वो कहाँ कहाँ पर हैं। तो सबसे पहले शैलाश्रय ये है मध्य प्रदेश का मुरैना जिला, इसमें लिखी छाज शैलाश्रय कहाँ पर है, ये है मुरैना के पहाड़गढ़ में। तो यहाँ पर क्या पाया गया है, यहाँ गुफाओं और छज्जे नुमा चट्टानों के नीचे बने शैलचित्रों की लंबी श्रृंखला पाई गई है। और मुरैना का मुरैना नाम किस बेस पर पड़ा, वहाँ क्या है, मोरों की बहुत अधिकता पाई जाती है। और मुरैना में रामप्रसाद बिस्मिल जी का स्मारक भी है, और सोहनिया में ककनमण मंदिर भी है, बहुत सी सारी जगह हैं। जैसे कि अपना चौहट योगनी अपने मध्य प्रदेश में मात्र तीन जगह ही है, मध्य पहला मुरैना, दूसरा अपना खजुराहो और तीसरा अपना जबलपुर। अब अगले में चलते हैं दाता शैलाश्रय ये कहाँ पर है, ये है छत्रपुर जिले के कौन से स्थान पर है, ये बिजावर नाम के स्थान पर ये दाता शैलाश्रय। अब चलते हैं अशोकनगर मतलब चंदेरी, तो यहाँ पर है लिखी दंत शैलाश्रय अशोकनगर जिले के चंदेरी नाम के स्थान पर है। यहाँ बहुत से स्मारक स्थल पाए जाते हैं, जिन्हें बहुत ही 21 स्मारक स्थल पाए गए, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा स्मारक स्थल घोषित किया गया है। अब आते हैं अपन सिंगरौली में कौन सा शैलाश्रय पाया जाता है, रानी माची शैलाश्रय। ये सिंगरौली के चित्रंगी नाम के स्थान पर पाया जाता है। इसमें क्या इसकी विशेषता है, यह गेरू से बने पशुओं के चित्र पाए गए हैं। ये कहां पर है, रानी माची शैलाश्रय सोन नदी के किनारे पर है। अब आते हैं अपन कटनी में कौन सा शैलाश्रय पाया जाता है, झिंझरी शैलाश्रय। अब इसको याद कैसे करें, कटनी मान लो आपकी उंगली कट जाती है तो फिर झिंझनाती है, तो इससे झिंझरी शैलाश्रय कहां पर है, कटनी में। अब होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम, यहाँ पर बहुत सारे शैलाश्रय पाए जाते हैं, जिसमें मामा भांजा शैलाश्रय, हर्रा पाल शैलाश्रय, चुरना बुंदी शैलाश्रय, निसारगढ़ कादरी शैलाश्रय और बेल खंदार शैलाश्रय। अब ये हर्रा पाल शैलाश्रय कहाँ पर है, ये है होशंगाबाद के बोरी नाम स्थान पर। और चुरना बुंदी शैलाश्रय कहाँ पर है, होशंगाबाद के कांति नाम स्थान पर। और निसारगढ़ कादरी और बेल खंदारा ये दोनों शैलाश्रय है होशंगाबाद के पंचमढ़ी में। अब इससे आगे डिस्कस करते हैं, अपने पाषाण काल पड़ा था, अब पाषाण काल के बाद आता है अपना ताम्रपाषाण काल। इसे ताम्रपाषाण काल क्यों कहते हैं, क्योंकि मनुष्यों के द्वारा सबसे पहले उपयोग में ली जाने वाली धातु कौन सी थी, तांबा थी। इसलिए इसे ताम्रपाषाण इसलिए कहते हैं कि तांबे के साथ साथ पत्थर, यानी इस समय के औजार तांबे और पत्थर के बने होते थे। एक पाषाण काल के तुरंत बाद काल कौन सा आता है, ताम्रपाषाण काल। तो मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य कहाँ पर मिले, मालवा में बहुत सारे साक्ष्य मिले, नवदा टोली ये भी कायथा एरर वैष्णवर विदिशा बहुत सारी जगह मिले हैं। यहाँ पर उत्खनन किया गया है तो मृदभान मतलब जंतुओं की आकृति मिली है, धातु से निर्मित बर्तन मिले हैं, उपकरण की प्राप्ति हुई है। एक स्थान है इससे ताम्रपाषाणकालीन से रिलेटेड, कौन सा है, डांगवाला कहां पर है, उज्जैन में। यहाँ पर बहुत सारे ताम्रपाषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं।
इसका उत्खनन कब किया गया है? 1989 में। यहां से 2000 ईसा पूर्व से लेकर परमार वंश के शासकों के तक के साक्ष मिले हैं। और यहाँ पर गढ़पाल का स्तूप भी मिला है। मृदभांड, मृदभांड क्या होता है? ज्यामिति और जंतियों की आकृति के समान एक उपकरण मिला है। और दो बार आग लगने के भी यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। यहाँ की सामग्रियों में पक्की मिट्टी से बनी भरसण की मूर्ति, भरसण की मूर्ति मतलब बैल या सांड की मूर्ति, तस्सीरिया, हिरण, सांप और बैल आदि की हड्डियों के साक्ष्य भी मिले हैं। और ब्राह्मणी लिपि में लिखा हुआ एक सिक्का भी मिला है। और बहुत अनाज जैसे कि गेहूं, चावल, मूंग दाल के साक्ष्य मिले। इसका मतलब बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कृषि होती थी। ताम्रपाषाण काल की प्रमुख संस्कृतियां यानी इस समय कौन कौन सी संस्कृति थी? तो सबसे पहले मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नवदा टोली यानी उज्जैन महेश्वर खरगोन के उत्खनन किए गए। तो इस मालवा संस्कृति से संबंधित स्थल कौन कौन से थे? प्रमुख स्थल कायथा उज्जैन, एरड, सागर और नवदा टोली। यानी मालवा संस्कृति से संबंध संस्कृति कहाँ कहाँ पाई गई? कायथा, उज्जैन में, एरड, सागर में, नवदा टोली, खरगोन में। ये मालवा संस्कृति अपने उत्कृष्ट मृदभांड के लिए जानी जाती थी। मृदभांड मतलब जंतुओं की आकृति के लिए जानी जाती थी। इस ताम्रपाषाण कालीन यानी खेरीगढ़ होशंगाबाद में स्थित है। यहाँ मालवा संस्कृति के ताम्रपाषाण कालीन स्थल माना जाता है इसको। कायथा संस्कृति ये कहाँ पर संस्कृति? ये है काली सिंध नदी के किनारे। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी 1964 में विष्णु वाकाड़कर जी ने। जब इसकी इस संस्कृति की कार्बन डेटिंग की गई तो समय कितना कब का है? 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच का बताया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे साक्ष्य मिले जैसे कि मानकों के साक्ष्य। इसे मध्य प्रदेश की प्रथम ताम्रकालीन बस्ती भी माना जाता है। धन्यवाद। यहाँ से आगे हम चर्चा अगले लेक्चर में करेंगे।